और इस वक्त मैं हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर जोड़ी के साथ। मेरे साथ हैं रैम्बो और साहिबा, सो इनसे जानते हैं कि इनको आज यहाँ पे कैसा लग रहा है और किसको सपोर्ट करेंगे ये तो हम पूछेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है और बहुत अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, सो क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये जो जितने स्टार्स हमारे टीवी ड्रामास में आ रहे हैं, मुझे ये सब लड़कियां लड़के यंग बहुत क्यूट लगते हैं और मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। इनमें से कुछ लोग मेरे फेवरेट भी हैं, उनका मैं शौक से काम देखती हूँ। और जो लक्स स्टाइल अवार्ड है, इतने अरसे से मतलब अपनी एक क्वालिटी को मेंटेन किए हुए हैं और बेहतर से बेहतर एंटरटेनमेंट दे रहा है, और जो अवार्ड है वो एक अचीवमेंट होती है एक्टर के लिए, वो भी ज़रूरी होता है, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक्टर को एप्रिसिएशन मिलती है। और मैं विनर्स को पहले कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस और नॉमिनीज को भी बेस्ट ऑफ लक। यस, थैंक यू। आप क्या कहेंगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी जा रही है, फैशन इंडस्ट्री तो खैर कमाल है, एवरीथिंग इज डूइंग ग्रेट, सो किस तरह से एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए? ड्रामा तो माशाल्लाह इंटरनेशनली हमारा देखा जाता है, जब भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो हमसे हमारे ड्रामे के बारे में बहुत पूछा जाता है, और अब फिल्में भी बहुत अच्छी, और मौला जट ने तो आके कमाल कर दी है, एक तारीख रकम कर दी है जो शायद अब इसका रिकॉर्ड सदियों में टूटता है, जल्दी नहीं टूट रहा करते, रिकॉर्ड बनते इसलिए टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बनते हैं जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद अब ये है कि फिल्म की तरफ प्रोड्यूसर्स का भी रुझान ज़्यादा हुआ है और फिल्म बीन जो हैं देखने वाले वो भी अब सिनेमा की तरफ चल पड़े हैं, तो कल भी दो फिल्में लग रही हैं, तो बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ, और एक हमने देखी है, कल देखेंगे, तो इंशाल्लाह दोनों चलेंगी। तो एप्रिशिएट करना साथ साथ जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो नए टैलेंट को किस तरह से, आपका बेटा भी साथ है, सो बताएंगे कि नए टैलेंट को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए? नए टैलेंट को देखें जी, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी दफा तो बस एक पाकिस्तान टेलीविजन और एक फिल्म थी, अब तो माशाल्लाह इतने चैनल्स हैं, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं और इन्होंने इतने बड़े बड़े स्टार्स बनाए हैं, तो अब इनके लिए आसानी है। और फिर अब पिछले कुछ 8-10 साल से सोशल मीडिया ने भी स्टार बना दिए हैं, तो अब तो बहुत इजी हो गया है, अब आसान हो गया। सर, आपसे हम जानेंगे कि आप क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में भी, और दूसरा ये कि ये बताइए कि किस तरह से सपोर्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, फैशन मूवीज़ इंडस्ट्री, कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अब रिवाइवल सिनेमा का देख रहे हैं, इसमें एक तो वो हो रहा है, उसके अलावा एक चीज़ जो ज़्यादा मेंशन नहीं होती वो ये कि म्यूज़िक भी हमारा बहुत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने लग गया, और फैशन तो हमेशा से ही, मैं अभी भी कोई ब्रांड शूट्स करूँ तो दे हैव अमेजिंग वर्क, ऑल द फोटोग्राफर्स एंड द कलेक्शंस आर अमेजिंग, और बस दुआ है कि और पाकिस्तान ग्रो करे, फैशन में भी, म्यूज़िक में भी, फिल्म में भी और ड्रामा में भी। परफॉर्मेंस किसके देखने आए हो? अली ज़फ़र। सो हम सबके फेवरेट स्टार अली ज़फ़र की यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज आपने किसको देखना है? मैं सबको ही देखूंगा, सब कुछ मेरे साथ के हैं, कुछ जूनियर्स हैं, सब प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, मैं सबके साथ हूँ, सबको ही देखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।